गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अनादर 3 मिनट रिव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो प्रोडक्ट हम रिव्यू करने वाले हैं वो है ये है स्विस ब्यूटी का क्लेंजिंग मेकअप रिमूवर, कुछ इस तरीके का दिखता है ये। एक्चुअली 3 वेरियंट्स में आता है। दिस वन इज ब्लू टकीला और जो बाकी और है वो है किर रॉयल जो कि पिंक कलर का है, कुछ इस तरीके का ये दिखता है। जो लास्ट कलर है वो है ये येलो में, इट्स कॉल्ड मार्टिनी। बहुत 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 प्रिटी है। सो यू हैव मार्टिनी, किर रॉयल एंड यू हैव ब्लू टकीला। बहुत ही प्रिटी है, तीनों ही बहुत बहुत सुंदर है। सो आई एम यूजिंग दिस वन। मुझे ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो गए हैं इनको यूज करते हुए। दे आर वेरी प्रिटी एंड वेरी गुड एंड दैट्स द रीजन मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर। इस 3 मिनट रिव्यू में मैं आपके साथ फुल ऑन डेमो भी शेयर करूंगी। फटाफट से पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। सो इसमें पैराबेन्स हैं, इसमें ग्लिसरीन है एंड सम फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स एंड ऑल दोज थिंग्स। सो क्लोजअप शॉट अगर आप देख, सो क्लोजअप में अगर आप खुद पढ़ना चाहो तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें आ जाते हैं। नाउ यहाँ पर मैं डेमो इंसर्ट कर दूंगी बिकॉज यू हैव टू सी ये कितना अमेजिंगली काम करता है। ये सारा का सारा मेकअप मेल्ट कर देता है आपकी स्किन से एंड जब इसके ऊपर पानी डालोगे तो ये फोम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये कि आपके फेस पे स्टिक नहीं रहता, सब कुछ वॉश ऑफ हो जाता है। सो अभी मैंने जो है अपना सारा का सारा मेकअप रिमूव कर दिया है कॉटन पैड से। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सब कुछ इसी में आ गया। एक कॉटन पैड पे आपको कोई वाइप की जरूरत नहीं, इनफैक्ट इस कॉटन पैड की भी जरूरत नहीं। आप सिर्फ इसको मसाज करो अपने फेस पे एंड देन पानी से फिर से मसाज कर लो तो सब कुछ निकल जाएगा एंड उसके बाद नॉर्मल फेस वॉश यूज कर लो एंड यू आर गुड टू गो। आपको किसी वेट वाइप, किसी कॉटन पैड की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आर सेविंग अ लॉट। सो मैंने फेस वॉश कर लिया, आप देख सकते हो मेरी स्किन एकदम क्लीन हो गई है एंड इट इज अमेजिंग। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो विद दिस यू आर सेविंग अ लॉट। लाइक आपको कॉटन पैड्स की जरूरत नहीं, वाइप्स की जरूरत नहीं है एवरी टाइम यू हैव टू टेक ऑफ योर मेकअप एंड प्लस इट इज जेंटल ऑन योर स्किन। क्योंकि जब भी आप वाइप या फिर कॉटन पैड यूज करते हो तो आप अपनी स्किन को रब करते हो एंड उससे ऑब्वियसली आप अपने स्किन को थोड़ा सा तो यू नो प्रेशर डाल रहे हो। हम कहते हैं ना टॉवल से आपको रगड़ के नहीं पोंछना चाहिए। सिमिलर गोज विद वेट वाइप्स से भी अगर आप रगड़ते हो अपने फेस को तो दैट लीड्स टू अर्ली एजिंग एंड अर्ली रिंकल्स। तो मेरे हिसाब से समथिंग जिससे आपको इन दोनों चीज़ों की जरूरत ना पड़े इज वेरी वेरी गुड। आई नो क्लिनिक का मेकअप रिमूविंग बाम आता है एंड आई थिंक मैक का भी क्लेंजिंग ऑयल आता है, इट इज समवॉट सिमिलर टू दैट। इसका MRP है सिर्फ 399 रुपीज एंड आई थिंक इससे आपको ऑब्वियसली डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप कप्स एंड लैशेज से लेते हो एंड जो भी कलर आपको पसंद है आप ले सकते हो। इसका फ्लेवर थोड़ा सा मीठा मीठा सा लगता है, अगर आपके लिप्स को साफ करते वक्त आपके मुंह में चला जाएगा तो हल्का सा मीठा मीठा सा लगता है। बट द पैकेजिंग इज बॉम, द प्राइस इज गुड एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये काम बहुत बढ़िया करता है। सो फॉर मी आई थिंक ये एक बहुत ही बढ़िया मेकअप रिमूवर है एंड अगर आपको कॉटन पैड्स और वेट वाइप्स यूज नहीं करने एंड स्टिल वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ एवरी आउंस ऑफ योर मेकअप फ्रॉम योर फेस देन आई वुड हाईली रिकमेंड दिस। गो फॉर इट, यू विल नॉट रिग्रेट इट। सो या दैट वॉज द 3 मिनट रिव्यू ऑफ द स्विस ब्यूटी क्लेंजिंग मेकअप रिमूवर। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर की वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ एंड आई विल सी यू गाइस इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।